हो सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं हूँ आपकी ग्रूमिंग गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीक्स का प्रोफेशनल सीरम, यानी कि इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके हेयर्स के लिए इतना ज़्यादा बेस्ट एंड अफोर्डेबल रेंज का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो शावर लेने के बाद आपके बाल जब आप कॉम करते हैं सो वो झड़ने जो लग जाते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम आपके टोटली सॉल्व कर देगा ये। एंड इसे मैंने खुद ट्राई किया है, ये बहुत टाइम से इसे मैं ट्राई करती हूँ। सोचा आपके साथ क्यों ना इसका रिव्यू शेयर करूँ, क्योंकि हेयर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स परेशान रहती है और ऐसा टाइम भी चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स के बाल जो है बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था गाइस। तो जब मेरी न्यू न्यू मैरिड हुई थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा घूंघट करती थी। उससे क्या होता था कि सामने के सारे हेयर जो है मेरे बहुत ज़्यादा निकल गए थे। सो बहुत ज़्यादा गंजापन, बहुत ही गंदा फील होता था मुझे। सो वो चीज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा दूर हो गई है प्रॉब्लम इसकी वजह से। क्योंकि क्या होता था कि मैं नहाने के बाद सीधा क्या करती थी कि मैं बालों को लपेट करके उसे छोड़ देती थी। बट ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। टॉवल से आपके अपने बालों को जो है यानी कि क्लीन कर लेना है अच्छे से। सारा जो वाटर होगा, एग्जैक्ट वाटर, वो आपको अलग कर देना है अपने बालों से। 80% तक जब आपके हेयर सूख जाएंगे, यानी आपके बाल जब सूख जाएंगे 80% तक, तब आपको जो है इसे अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आपको अपने जड़ों में अप्लाई नहीं करना है गाइस, ये आपको अपनी लेंथ में अप्लाई करना है। क्योंकि जड़ों में अप्लाई करने से क्या होगा कि आप अपनी जड़ों में अप्लाई करेंगे जब, तो आपके बालों में तो नुकसान कर देगा ये। सो आपको लेंथ पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये ओबियसली आपके बालों को जो है सुलझाने के लिए होता है। सो आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ इसे। आप मैंने इसे बहुत ही स्टोर से बाय किया था, ये मुझे 210 रुपीज़ का पड़ा है। सो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इजीली आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहें एंड अगर आप चेकआउट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज, इसे आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पहले यूज़ किया है तो भी मुझे बताइएगा, और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है सीरम, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटना कम हो गए हैं गाइज। मैं इजिली मेरे बाल सुलझ जाते हैं। एंड क्योंकि जब आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं तभी आपके साथ ऐसे सीन बनते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड गाइज। सो वो वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई है। और रही बात हेयर ऑयल की, आपके लिए हेयर ऑयल कौन सा बेस्ट रहेगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर उसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। सो गाइज, आपके हेयर्स को ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता, डैमेज होने से आपके हेयर्स को बचाता है। एंड सन प्रोटेक्ट भी करता है, सन से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपके हेयर्स को। स्ट्रिक्स का ये प्रोफेशनल, ये मैंने अभी बाय किया है, करंटली हाल फिलहाल में ही बाय किया है, क्योंकि मेरा पहले वाला ख़त्म हो गया। इससे पहले मैंने मैट्रिक्स का भी यूज़ किया था। मैट्रिक्स का भी इतना ज़्यादा ठीक ठाक ही था, उसको भी मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं दूंगी। सो ये ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे इसका ये सीरम। सो इजीली आपको मिल जाएगा ये मार्केट में, आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं, और उसमें चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले भी गाइज मैंने आपके साथ लिपस्टिक के स्वेचेस आपके साथ रिव्यू शेयर किया था। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं चेकआउट की है तो चैनल पर जाकर आप फटाफट से चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैंने पहले एक अपनी वीडियो अपलोड की थी जिससे थंबनेल, जिसमें कि मेरे टाइटल ये था कि कैसे दिखे अट्रैक्टिव इन हिंदी। सो गाइज, काफ़ी सारी गर्ल्स के एंड काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे कि आप उसका पार्ट 2 भी शेयर कीजिए, यानी कि डेली में मेकअप कैसे करना चाहिए वो भी शेयर करें। तो सो गाइज, मैंने ज़रूर शेयर किया है, आप वो वाला भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज, आज के वीडियो में तो मैंने आपके साथ स्ट्रिक्स का ये प्रोफेशनल सीरम आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया। सो गाइज, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने अभी एक कुर्ती बाय की है जिसके साथ कुर्ती है और उसके साथ मुझे एक स्ट्रीट पैंट मिली है। दुपट्टा उसका काफी ज्यादा लाइट वेट है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा सीरियसली गाइस। अगर आप मुंबई से हैं मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो वो क्योंकि वो जो शॉप है, जिस शॉप से मैंने बाय किया है, वो मुंबई में ही है, आपको कोरियर भी हो जाएगी, बाय कोरियर भी मिल जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो मैं आपके साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी। बट यार, अनबॉक्सिंग नहीं शेयर कर सकती मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने उसे फिटिंग के लिए टेलर के पास उसे दे दिया है। सो आज की वीडियो तो बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।